चलिए अब हम सेकेंडरी सेक्शन की बात करते हैं. सो ओपन सिक्स स्टैंडर्ड एंड स्टार्ट विथ साइंस सब्जेक्ट. गो टू इंटरैक्टिव ई बुक कॉन्टेंट, ओपन चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स, ओपन इंटरैक्टिव ई बुक और मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्ले करिए. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो इन आवर लास्ट मॉड्यूल वी लर्नड हाउ मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ शेफर्ड named Magnus. And we all know that not everything behaves in the same way with or towards a magnet. Like everything doesn't get attracted towards a magnet. अब आप इसके key terms, quiz, question and answers, worksheets play करिए. एन एनसीईआरटी बुक ओपन करिए. अब आप फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी पर क्लिक करके उसे शो करिए. यहां ये एक्सप्लेन करें कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस यहां सॉल्व्ड हैं. अब आप चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स पर जा सकते हैं और ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स प्ले कर सकते हैं. अराउंड 1 मिनट 30 सेकंड तक फॉरवर्ड करिए और बाकी वीडियो प्ले करिए. इस मॉड्यूल में आपको बायलिंगुअल फीचर जरूर दिखाना चाहिए. बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर जहां पर बॉडी के दो पॉइंट्स जॉइन होते हैं, ऐसी जगहों को कहते हैं जॉइंट. Do you feel something hard while pressing body parts again? Go to experiments and play to observe carbon dioxide is released during respiration. 1 minute 10 second tak forward kariye aur baki ka video play hone dijiye. Yahan book ke sare experiments, aim, apparatus required, procedure, conclusion aur precautions ke sath present hain. Now open the stopcock X and close the stopcock Y. Suck in air through the mouth. Pause. So dear IBCs, आपने यहाँ पर देखा. So basically, अभी ये जो pattern है, कल जब हम discuss कर रहे थे पढ़ाई के अंदर primary section and junior section के अंदर, तो वहाँ animated modules थे. Sixth onwards जब syllabus बढ़ता है तो teacher की requirement कहीं ना कहीं बढ़ती है. So हमने क्या किया, teacher exactly teacher ना देकर एक anchor को हमने provide कर दिया. So जो videos आएंगी वो दो तरीके की होती है sixth onwards. One is an anchor based video जिसके अंदर एक टीचर है और उस एंकर को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस हमने वीडियो क्रिएट करी स्टूडियो के अंदर और वो एंकर एक्चुअली पढ़ाएगा. दिस इज वन. सेकेंड रहेगी फुल्ली एनिमेटेड वीडियो जिसमें कंप्लीट एनिमेशंस रहेंगी वीडियो के अंदर एंड बच्चा उसके थ्रू बाइलिंगुअल ऑडियो के थ्रू सुन सकता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सुन सकता है. आप में से बहुत सारे लोग कोई विलेजेस से हैं, कोई टाउन से हैं, कोई बड़े सिटीज से हैं, तो बेसिकली क्या होगा, इंडिया के अंदर हमने देखा है बच्चा या तो रीजनल लैंग्वेज पहले सीखता है, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो बचपन में पहले सीखेगा, या फिर हिंदी पहले सीखता है, इंग्लिश के ऊपर वो बाद में आएगा. सर, एक मिनट रुकते हैं जरा. आई कैन सी सम चैट्स कमिंग वेयर आईबीसीज आर सेइंग दैट दे आर नॉट एबल टू हियर. तो एक बार चैट में जरा मुझे फटाफट बता दीजिए कि सबको आवाज आ रही है और सब लोग क्या सुन पा रहे. Yes, so I guess lot of responses are there. आवाज क्लियर है सभी लोगों को. Great, great, great. बहुत बढ़िया. So moving on,
सो बेसिकली कंसेप्ट इज, सबसे पहले बच्चा वीडियो देखेगा, वीडियो देखने से उसका जो कंसेप्ट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो उस टॉपिक की बनी। उसके बाद आपने देखा की पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस चैप्टर में जो बार बार रिपीट होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद वो की टर्म्स देखेगा, की टर्म्स वो होते हैं जो बेसिकली सम डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो वीडियो देखते टाइम समझ नहीं पाया बच्चा, तो उनको भी उसने देख लिया वहां पर ताकि उसकी भी क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स करेगा, ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर के बीच में होते हैं वो क्वेश्चन वहां पर बच्चा कर सकता है, उसका टेस्ट भी वहीं के वहीं दे देगा वो। जनरली आप देखते होंगे स्कूल के अंदर आज टीचर ने पढ़ाया कोई टॉपिक, बट एग्जाम कब होता है? एग्जाम होता है एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद या दो महीने बाद होता है बेसिकली, और एग्जाम के बाद भी जनरली हमने देखा है दो तीन चार पांच दिन या हफ्ता भर लग जाता है आंसर शीट बच्चे को चेक होके वापस मिलने में। सो देयर इज अ गैप, थोड़ा गैप है वहां पर। और बच्चे की आदत क्या है आप सबको पता है, वो क्या करता है एग्जाम आने से पहले रट्टा लगाता है, रट करके पढ़ लेता है और बाद में भूल जाता है, अगले दिन सब गायब। तो उसी हैबिट को, उसी रट्टाफिकेशन की हैबिट को हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के थ्रू बिल्ड कर रहे हैं ताकि ना वो सिर्फ रट्टा नहीं लगाए, वो उस कंसेप्ट को समझे। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझेगा, फिर उसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, वीडियो देखना इज नॉट जस्ट इनफ, वो तो यूट्यूब पे भी देख सकता है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली क्या उसको मिलने वाला है, विच इज की पॉइंटर्स, की टर्म्स, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशीट। तो ये पूरा एग्जाम रेडी कंटेंट है। दिस इज द कीवर्ड दैट यू कैन नोट डाउन, दैट वी हैव द कंप्लीट एग्जाम रेडी कंटेंट। बच्चे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए लिखना भी पड़ता है, तो उसके आंसर्स, क्वेश्चंस, वो सारी चीजें भी हमने प्रोवाइड कर दी अपार्ट फ्रॉम वीडियोस। अब अगर हम डिस्कस करें, जैसे सामने अभी एक्सपेरिमेंट का सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के अंदर, अब आप देखेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंज जनरली आता है। साइंस एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं। ड्यू टू सम रीजंस स्कूल्स के अंदर हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स को करवा नहीं पाते ठीक से, या तो एक तो बेसिकली रिस्क होता है क्योंकि उसमें एसिड है, यू नो, बच्चों को लेके गए तो एक रिस्क रहता है वहां पर। दूसरी तरफ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होते ही नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है स्कूल के अंदर, तो वो करवा नहीं पाते उस वजह से। सो व्हाट वी हैव डन इज, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, हमने एक वर्चुअल लैब पूरी प्रोवाइड कर दी अपने कंटेंट के अंदर। उस लैब के अंदर आप जैसे सामने देख पा रहे हैं, चाइल्ड कैन एक्चुअली सी दैट एक्सपेरिमेंट हैपनिंग। अब कभी लैब में स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, जनरली आप जब स्कूल में रहे होंगे तो आप रिलेट कर सकते हैं, टीचर ने बोला बेटा एबेनाइट रोड लेके आओ। अब बच्चे को पता ही नहीं है एबेनाइट रोड दिखती कैसे है, वो वहां पे ढूंढ रहा है, टाइम बहुत लगा रहा है, उसको एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं होता। प्लस वाइवा के टाइम पर आपने यू कैन रिकॉल, और आजकल जो बच्चे हैं जनरली हमने देखा है वाइवा में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, चाइल्ड बहुत नर्वस होता है वाइवा के टाइम पर, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है, उसको करके नहीं देखा कभी। व्हाट वी कैन डू इज वी आर प्रोवाइडिंग दिस कंप्लीट वर्चुअल लैब, जिसके अंदर ना सिर्फ बच्चा उस एक्सपेरिमेंट को होते हुए देखेगा, बट पूरी उस वर्चुअल लेबोरेटरी के थ्रू उसको नॉलेज भी मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो कल को जब लैब में वो एक्चुअल में जाएगा अपने स्कूल के अंदर, ना सिर्फ वो कॉन्फिडेंटली उस एक्सपेरिमेंट को हैंडल कर सकता है, बट वाइवा में भी वो बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकता है। सो जनरली बेनिफिट भी बताना बहुत जरूरी है फीचर के साथ साथ। एक्सपेरिमेंट हमारा एक फीचर है, इसका बेनिफिट क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वाइवा के अंदर, एक्सपेरिमेंट जब एक्चुअल में लैब में जाएगा उसके अंदर। सिमिलरली और भी बहुत सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए, फॉर एग्जाम्पल हमारे कंटेंट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल हैं, तो ये तो फीचर हो गया, दिस इज अ फीचर। इसका बेनिफिट पेरेंट को क्या होगा, सो बेसिकली पेरेंट्स बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी गाइड्स खरीदते हैं ताकि बच्चा होमवर्क और असाइनमेंट करने में उसको आसानी रहे, वो पैसा आपका बचेगा, यू कैन सेव दैट अमाउंट, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच में बनते हैं हमने अपने इसी बीबी जूनियर के कंटेंट के अंदर प्रोवाइड कर दिए। सो दैट्स हाउ द एंटायर यू नो कंटेंट शुड बी एक्सप्लेन्ड। इट इज नॉट द फीचर दैट वी फोकस ऑन, फीचर भी बताना जरूरी है, बट उसका बेनिफिट कैसे होने वाला है उस पेरेंट को, उस बच्चे को, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है करनी। विद दैट वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड। Fresh air is drawn into the flask. Now, close the stopcock X and open the stopcock
Why? Blow out air through the mouth. Exhaled air bubbles are passed into the flask B. Go to real life videos. Open play rooftop rainwater harvesting. So basically, ये section है, this is again a USP of this science subject. हर subject में आप देखेंगे कुछ ना कुछ USP मिलेगी हमें. Science में problem थी experiment की, वो हमने देखा कैसे एक virtual lab के through बच्चा कर सकता है. Again, ये जो section है real life videos, ये भी बहुत powerful section है and बहुत बच्चे को practical knowledge इसके through मिलेगी कैसे. So science के अंदर बहुत सारे topic ऐसे हैं जो real world से connected हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ड्रिप इरिगेशन का कंसेप्ट होता है, जिसमें किसी खेत में हम एक सिस्टम लगा देते हैं और पाइप से बूंद बूंद करके वो पेड़ के ऊपर उस प्लांट के ऊपर वो पानी गिरता है, इस पानी वेस्टेज होने से हम बचा लेते हैं उसके थ्रू. तो जनरली बच्चे को सिखाना हो रूफ टॉप ये पूरा सिस्टम जो कंप्लीट सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जो भी वैसा सिस्टम हम सिखा रहे हैं कंसेप्ट सिखा रहे हैं, तो या तो बच्चे को स्कूल से लेके जाएं एग्जैक्टली उसको दिखाएं कि ये होता कैसे, बट क्या ये पॉसिबल है स्कूल के एंड पर, नहीं पॉसिबल है. हमने क्या किया एग्जैक्टली उस प्रोसेस की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली विच इज अ लाइव वीडियो, और वो वीडियो हमने इस सेक्शन के अंदर अपडेट कर दी. बच्चा उस वीडियो को देखेगा होते हुए और इट इज एज सिमिलर टू चाइल्ड एक्चुअली वॉचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. तो यहां से कंप्लीट एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे को मिलेगा, ताकि ना सिर्फ वो थियोरेटिकली उस सब्जेक्ट को पढ़े सिर्फ रट्टा लगाए, वो एक्चुअल में उसको रियल लाइफ से कनेक्ट भी करे. जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सभी लोगों को पता है रडार और सोनार क्या होता है, वी ऑल नो दैट मिलिट्री लेवल इक्विपमेंट है जो मिलिट्री में जनरली हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए. बट मेरा क्वेश्चन आप सभी आईबीसी से है, इस रडार और सोनार के कंसेप्ट को हम रियल लाइफ में यूज कहां करते हैं? कैन समबडी प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज यूज चैट सेक्शन, क्या कोई मुझे बता सकता है रडार और सोनार को रियल लाइफ में हम कहां पर यूज करते हैं? एब्सोल्युटली आई कैन सी सम रिस्पॉन्सेस इन दी कार पार्किंग, वेरी नाइस वेरी नाइस. सो बेसिकली जनरली बच्चों को पता नहीं होता कि हमारी कार का जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है इट इज नथिंग बट रडार एंड सोनार के प्रिंसिपल पे ही काम करता है. रेस जाती है टकराकर वापस आती है, ऑब्जेक्ट के नियर या फार होने का एस्टिमेशन देती है, इट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ रडार एंड सोनार ओनली. So, ये रियल लाइफ जो वीडियोस हैं वो एक्चुअल में बच्चे को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगी, नॉट जस्ट विद थियोरेटिकल नॉलेज. विद दैट वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड. यहां आप कैटरपिलर टू बटरफ्लाई वीडियो भी प्ले कर सकते हैं. इस मॉड्यूल में ये दिखाया गया है कि कैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज होता है. ये बुक में दिए हुए डायग्राम की एक्चुअल फुटेज है. Now open math subject. Go to interactive ebook content. Open chapter 1, Knowing Our Numbers. Open interactive ebook and play board mass. ये एक anchor based module है, क्योंकि ये काफी लंबा है तो इसलिए आप सिर्फ 5 मिनट तक दिखाइए. Many arithmetic expressions involving two numbers using operations such as addition, subtraction, multiplication and division, right? अब आप प्लेस वैल्यू प्ले करिए, जो कि एक प्योरली एनिमेटेड मॉड्यूल है. हेलो चिल्ड्रन, यू ऑल नो हाउ टू काउंट, कैन यू टेल मी वेयर द काउंटिंग एंड्स? नो? ओके, देन कैन यू थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नंबर सिस्टम? आप यहां क्विज प्ले कर सकते हैं और एनसीईआरटी बुक शो कर सकते हैं. नाउ यू गो टू फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी और यहां पे आप एक्सप्लेन करिए कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस का सलूशन इसमें प्रेजेंट है. यहां ध्यान रखें कि फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी में वीडियो आइकन वाले क्वेश्चंस सॉल्व्ड हैं, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशंस पेन टैबलेट फॉर्मेट में दी गई हैं. आप कस्टमर को टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ ये वीडियोस भी शो कर सकते हैं.
गो टू फॉर्मूला मास्टर एंड प्ले फॉर्मूला मास्टर. यहाँ चैप्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अरेंज किए गए हैं. ये एक क्विक रिविजन की तरह काम करता है जिसे बच्चे सो बेसिकली जैसे साइंस में हमने देखा साइंस की यूएसपी थी एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ वीडियोस, ऐसे ही मैथ्स के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कल एग्जाम है उनको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं एंड बुक के अंदर वो पन्ने पलटने में बहुत टाइम उनका लगता है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम उतना होता नहीं है, एग्जाम का टाइम है, जल्दी उनको प्रिपेयर करना है. सो व्हाट वी हैव डन इज हमारे इस कंटेंट के अंदर एक सेक्शन है मैथ्स के अंदर विच इज कॉल्ड एज फॉर्मूले मास्टर. इस सेक्शन में सारे चैप्टर्स एक जगह पर उसको मिल जाएंगे बच्चे को, एक सिंगल क्लिक पर किसी भी चैप्टर के फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स वो यहाँ पर देख सकता है, टाइम उसका वेस्ट नहीं होगा, सारे फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज एक ही जगह पर उसको मिल जाएंगे, विच इज अगेन अ यूएसपी फॉर मैथमेटिक्स. बहुत कम टाइम में इजीली कर सकते हैं. नाउ ओपन हिस्ट्री एंड गो टू इंटरैक्टिव ईबुक कंटेंट एंड ओपन चैप्टर 4 इन द अर्लियर सिटीज. ओपन इंटरैक्टिव ईबुक एंड प्ले फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन पार्ट 1. ये 3 मिनट का मॉड्यूल है, इसे प्ले करिए एंड फॉरवर्ड करके इस वीडियो को 1 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करिए. यहां बायलिंगुअल फीचर जरूर दिखाइए. सिटेडल अक्सर माउंट या एलिवेटेड पोजीशन पर होते थे. बिलो द सिटेडल ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस व्हिच वर इनहैबिटेड बाय कॉमन पीपल. बच्चों को जनरली हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, बट इन 3D वीडियोस की हेल्प से बच्चा हिस्ट्री को समझ सकता है और मूवी की तरह एंजॉय कर सकता है. अब हरप्पन सोशल लाइफ ओपन करिए और सिर्फ 40 सेकंड तक प्ले करिए. शुरू के 32 सेकंड्स में आप हरप्पन सिविलाइजेशन के साइट रिमेन्स की लाइव फुटेज देखेंगे. हिस्ट्री में हमने मॉड्यूल्स में इस तरीके की लाइव फुटेज ऐड की है. अब आप इसके की पॉइंट्स, की टर्म्स, क्विज, क्वेश्चन एंड आंसर्स, वर्कशीट्स प्ले करिए. अब एनसीईआरटी बुक पर जाइए और कंप्लीट चैप्टर प्ले करिए. उसके बाद आप फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी पर जाइए और उसे शो कीजिए. यहां ये जरूर बताइए कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस यहां सॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं. नाउ यू कैन गो टू द इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस एंड गो टू हिस्ट्री टाइमलाइन एंड प्ले व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट स्टूडेंट्स को डेट्स याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है. हिस्ट्री टाइमलाइन सेक्शन में चैप्टर में एक्सप्लेन सारे इवेंट्स उनकी अक्रेंस के ऑर्डर में अरेंज्ड हैं ताकि बच्चा इन डेट्स को विजुअली याद रख सके. अब ग्रेट पर्सनालिटीज पर जाइए और न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज प्ले करिए. यहाँ चैप्टर में एक्सप्लेन सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज असेंडिंग ऑर्डर में विजुअली अरेंज्ड हैं. हाँ जी, सो हिस्ट्री के अंदर अगेन एक प्रॉब्लम है बच्चों को, एक तो हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है, उसके लिए हमने क्या किया, 3D वीडियोस. हरप्पन सिविलाइजेशन आपने अभी देखा, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन 3D 4D वीडियोस के फॉर्म में वहां पे हमने प्रोवाइड कर दी, बच्चे का इंटरेस्ट वहां पर आ गया. सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को डेट्स याद नहीं रख पाते, वो कौन सा इवेंट कब हुआ था, पानीपत का फर्स्ट बैटल कब हुआ था, या जो भी पीछे की डेट्स हैं वो डेट्स याद रखने में उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है. इसका एक रीजन है, उस रीजन को समझते हैं पहले, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. रीजन ये है कि इस पहले चैप्टर में बच्चा देखता है जो इवेंट है वो 1200 सेंचुरी के अराउंड कोई हुआ, 1200वीं सदी के अंदर हुआ. दूसरी चैप्टर के अंदर बात हो रही है 1300 सेंचुरी की, 100 साल आगे की बात हो रही है. थर्ड चैप्टर में वो 1400 सेंचुरी की बात हो रही है. एंड फोर्थ चैप्टर में वो क्या देखेगा, 400 साल पीछे आ गए, 1000 सेंचुरी की कुछ डिस्कशन हो रही होगी. तो टीचर्स भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला चैप्टर फर्स्ट टर्म में लू या ये वाला चैप्टर सेकंड टर्म में लू. सो थॉट यहाँ पर ये है जो हमने देखा है हिस्ट्री के अंदर कि क्रोनोलॉजी वहां पर नहीं है, यानी चैप्टर्स किसी सीक्वेंस के अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर्स भी कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि इस चैप्टर को कौन से वाले टर्म के अंदर लें. अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हमने दे दिया एक फीचर के साथ जो कि हिस्ट्री की यूएसपी भी है, विच इज हिस्ट्री टाइमलाइन. अब इसमें हमने क्या किया, पूरी बुक के जितने भी इवेंट्स हैं उन सारे इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक सीक्वेंशियल मैनर में हमने अरेंज कर दिया. उससे क्या होगा, बच्चे को पता लग गया पहले ये हुआ, उसकी वजह से फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. सो स्टेप बाई स्टेप उसको मजा आता है
विद द हेल्प ऑफ विजुअल इमेजेस वो ना सिर्फ उस डेट को याद रख पाता है बट कहीं ना कहीं एक स्टोरी के फॉर्म में उसको समझ भी लेता है. तो अगर डेट भूल भी गया तो कहीं ना कहीं ईयर एटलीस्ट उसको याद रहेगी, एज यू कैन सी देयर. सेकेंड, एक चैलेंज छोटा सा और आता है हिस्ट्री के अंदर, विच इज किसी पर्सनैलिटी के बारे में अगर लिखना है उसको एग्जाम के अंदर, जैसे हु वॉज गौतम बुद्धा, उसके बारे में कुछ लिखने को आ गया. अब गौतम बुद्धा के बारे में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है किताब के अंदर, या गूगल करेगा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बट प्रिसाइज एक डेफिनेशन, प्रिसाइज एक उसकी यू नो आंसर जो एक्चुअल में उसको मार्क्स मिलने में हेल्प करेगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन हमने ग्रेट पर्सनैलिटीज के सेक्शन में प्रोवाइड कर दी, विच इज अगेन अ यूएसपी फॉर हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के दो यूएसपीज हैं, हिस्ट्री टाइमलाइन जहां पे बच्चे ना सिर्फ डेट याद रख पाते हैं बट सीक्वेंशियल मैनर में अच्छे तरीके से उस डेट को कहानी के फॉर्म में समझ भी पाते हैं. सेकेंड वुड बी ग्रेट पर्सनैलिटीज, जहां पर जो भी पर्सनैलिटीज हैं, गौतम बुद्धा, महात्मा गांधी, औरंगजेब, जो भी पर्सनैलिटीज उनकी बुक के अंदर है उनकी प्रिसाइज डेफिनेशन, प्रिसाइज उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वो लिख सकता है वहां से. गोइंग फॉरवर्ड विद अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो. Now open geography, go to interactive ebook content, open chapter 7, Our Country, India. Open interactive ebook and play India's Neighbors. India's Neighbors. There are 7 countries that share land boundaries with India. Across the sea to the south lie our island neighbors, Sri Lanka and Maldives. अब आप इसके key points, key terms, quiz, question and answers और worksheet play कीजिए. अब NCERT book पर जाइए और complete chapter play करिए. Dear IBCs, आपको pattern समझ में आ रहा है? Sixth के अंदर, six, seven, eight के अंदर जो पढ़ाई का pattern है वो बिल्कुल same है. सारे subjects के अंदर आपको एक pattern repeated तरीके से नजर आ रहा होगा. बस उस सब्जेक्ट की कुछ यूएसपीज हैं जो यूनिक हम डिस्कस कर रहे हैं अलग से. तो आप देख रहे हैं सबसे पहले बच्चा वीडियो देख रहा है, वीडियो के बाद की टर्म्स देख रहा है, उसके की पॉइंटर्स देख रहा है, क्विजेस कर रहा है, क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशीट. तो ये सारी चीजें कॉमन है. उसके अलावा उसकी एनसीईआरटी की बुक, उसका पीडीएफ, उसकी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, तो ये सारा पार्ट ऑलमोस्ट कॉमन है सारे सब्जेक्ट्स के अंदर. व्हाट वुड बी डिफरेंट इज द यूएसपी ऑफ दैट सब्जेक्ट जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. तो जैसे मैथ्स की यूएसपी थी फॉर्मूले मास्टर, साइंस की यूएसपी थी यू नो एक्सपेरिमेंट्स एंड लाइव रियल लाइफ वीडियोस, हिस्ट्री में हमने देखा हिस्ट्री टाइमलाइन, ग्रेट पर्सनालिटीज. ऐसे ही ज्योग्राफी के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, ज्योग्राफी में बच्चे मैप की लोकेशन याद नहीं रख पाते कि ये वाली नदी कहाँ पर बहती है, ये वाली रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, ये वाली रेड सॉइल कहाँ पर मिलती है, कौन सी जगह पर मिलती है. तो यहाँ एक्चुअल में बच्चे को मैप की प्रैक्टिस चाहिए और उस मैप की प्रैक्टिस को प्रोवाइड करने के लिए हमने बहुत ही पावरफुल फीचर प्रोवाइड कर दिया विच इज मैप वर्क. चलिए देखते हैं मैप वर्क कैसे काम करता है. उसके बाद आप फुली सॉल्व एनसीईआरटी पर जाइए और उसे शो कीजिए. यहाँ ये जरूर बताइए कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है. अब आप मैप वर्क पर जाइए और उस पर आप मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पर क्लिक करिए एंड ड्रीम्स ऑफ द अर्थ प्ले करिए. यहाँ आप ये जरूर बताइए कि बच्चे के लिए मैप वर्क कितना जरूरी है. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा देयर आर टू काइंड ऑफ मैप वर्क्स, एक होता है इंटरैक्टिव, एक होता है नॉन इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव मतलब बच्चा इंटरैक्ट कर सकता है स्क्रीन के ऊपर. जो ये क्वेश्चन है ये इंटरैक्टिव मैप वर्क है, इसके अंदर बच्चे को क्लिक करना है कैस्पियन सी या जो भी क्वेश्चन उसका रहेगा. हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए ये वाला रेड सॉइल कहां पर मिलती है, पूरा मैप दे दिया, अब उसको क्लिक करना है. अगर वो सही होगा तो सही आ जाएगा करेक्ट, वरना इनकरेक्ट आ जाएगा, वहीं की वहीं उसको पता भी लग जाएगा सही जवाब कहां पर है. एंड बाकी के दो नॉन इंटरैक्टिव मैप्स प्ले करिए. ज्योग्राफी में मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां हम बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं. नाउ ओपन सिविक्स सब्जेक्ट, गो टू इंटरैक्टिव ई बुक कॉन्टेंट, Open Chapter 1, Understanding Diversity, Open Interactive eBook and play Regional and Cultural Diversity. Regional and Cultural Diversity. Nature has bestowed India with a great variety in landforms,
and this in turn has shaped its culture. In the north and the east, we find the Himalayas and the three perennial river systems. अब आप इसके key points, key terms, question and answers, quiz और worksheets play कीजिए. अब NCERT book पर जाइए और complete chapter play करिए. उसके बाद आप fully solved NCERT पर जाइए और उसे show कीजिए. यहाँ ये जरूर बताइए कि NCERT book के सारे questions यहाँ solved form में present हैं. अब notes पर जाइए और chapter 1 Understanding Diversity को open करिए. अब So civics के अंदर generally बहुत difficult लगता है बच्चों को, बहुत भारी-भारी शब्द आते हैं, democracy, federalism, communism and all. तो यहाँ पर बहुत ही precise हमने notes provide कर दिए. बच्चा notes को अगर एक बार go through कर ले before exam, definitely he would be getting good marks. तो precise notes which are developed by you know the professionals, teachers and all. तो ये नोट्स बच्चे को हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिविक्स सब्जेक्ट के अंदर. तो सिविक्स की जो यूएसपी है दैट वुड बी नोट्स. चैप्टर 1 नोट्स प्ले कीजिए. अगर आप सिविक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो कंटेंट को पैराग्राफ में लिखने की बजाय आपको इसे प्रॉपर्ली डिवाइड करके टैबुलर पॉइंट्स में लिखना चाहिए. इसलिए हमने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये नोट्स क्रिएट किए हैं. साथ ही में प्रैक्टिस शीट दी गई है आंसर्स के साथ ताकि बच्चा नोट्स को प्रॉपर्ली समझ सके. नाउ ओपन इंग्लिश सब्जेक्ट. फर्स्ट सेक्शन ग्रामर सेक्शन है. इस सेक्शन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे बच्चों को ग्रामर की क्लैरिटी मिल सके. एग्जांपल्स के लिए प्रेपोजिशंस लेते हैं. इंटरैक्टिव ई बुक कॉन्टेंट्स जनरल ग्रामर पर जाइए. ओपन ग्रामर एनिमेशन, ओपन प्रेपोजिशन एंड प्ले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. Let us now understand about preposition of place. Prepositions like at, on, in front of, beside, and over tell us where something happens. A preposition exercise 1 and preposition exercise 2 play kariye. Note. जब हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में प्रेपोजिशन चैप्टर ओपन किया था तो वहां हमारे पास सिर्फ एक मॉड्यूल था, बट यहाँ काफी सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट टाइप के प्रेपोजिशंस को एक्सप्लेन करते हैं. जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स की तरफ जाते हैं मॉड्यूल्स का नंबर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाते हैं. इस सेक्शन को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया है. इंटरैक्टिव ई बुक इंग्लिश रीडिंग पर क्लिक करिए. ओपन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड प्ले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोडक्शन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स. Students, there are some very important rules. If one follows them, during reading comprehension problems, one can score maximum marks in the examination. Ab reading comprehension passage practice par click kijiye and play RC passage 1. Ye section different types ke writing formats ko jaise ki letter writing, notice writing, diary writing etc. ko explain karne ke liye design kiya gaya hai. इंटरैक्टिव ईबुक इंग्लिश राइटिंग पर जाइए. लेटर राइटिंग पर क्लिक कीजिए एंड प्ले फॉर्मल लेटर फॉर्मेट. फॉर्मल लेटर फॉर्मेट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. एज ऑलरेडी टोल्ड द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी इन बिजनेस लाइक राइटिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द फॉर्मेट इन अ फॉर्मल लेटर एज जनरली These are official letters. अब English learning examples solved पर जाइए and play letter writing.
अब फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी पर क्लिक कीजिए और शो कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन यहां प्रेजेंट है। नाउ ओपन स्कॉलर जोन। ये सेक्शन बच्चे को फ्यूचर कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। गो टू इंटरनेशनल ओलंपियाड मैथ्स एंड प्ले टेस्ट पेपर 1 2016। ये एक्चुअल टाइम्ड मैथ्स ओलंपियाड पेपर्स हैं ताकि बच्चे इनसे प्रैक्टिस कर सकें। Now go to International Olympiad Science and play Test Paper 1 2016. ये actual timed science olympiad papers हैं ताकि बच्चा इनसे practice कर सके। Go to IIT Foundation Maths and play Numbers. ये actual timed foundation test papers हैं ताकि बच्चे इनसे practice कर सके। सो शेयर स्कॉलर जोन के अंदर आपने देखा फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक, सबसे पहले यू कैन नोट इट डाउन, स्कॉलर जोन इज अवेलेबल फॉर क्लासेस 1 till 10th। अब फर्स्ट से लेकर 5 तक हमने देखा ब्रेन जिम का एक कंसेप्ट अवेलेबल था स्कॉलर जोन सेक्शन के अंदर, एंड ओलंपियाड की तैयारी बेसिकली वहां से कर ही सकते हैं, विच इज इंटरनेशनल साइंस एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड। 6th and 7th के अंदर हमने आईआईटी फाउंडेशन का सेक्शन भी दे रखा है जिसमें बच्चे उस लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं जो उनको हेल्प करेगी आईआईटी लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करने में। सो इसमें टेस्ट सीरीज है जिसके थ्रू बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है उन क्वेश्चंस की जो जनरली पूछे जाते हैं उस लेवल ऑफ कंपटीशन पर। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इनिशियली जब बच्चा 6th क्लास में आता है तो 6th, 7th and 8th इस सेक्शन को हम कहते हैं प्री फाउंडेशन। ये बच्चे की प्री फाउंडेशन ईयर्स हैं, टाइम है। 8th के बाद 9th and 10th जो है उसको बोलते हैं फाउंडेशन, वहां पे बच्चे की फाउंडेशन बनती है। एंड 11th and 12th में प्रॉपर आईआईटी जेईई नीट बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। सो बेसिकली 6th के आगे अगर कोई बच्चा मिलता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत हॉट प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि वहां नीड पेरेंट की जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि एक तरफ बच्चा जितना बड़ा हो रहा है उतना इंटरेस्ट कम होता है पढ़ाई के अंदर, उतनी डिस्ट्रैक्शन उसकी बढ़ती है और सिलेबस भी बढ़ रहा है क्योंकि साइमल्टेनियसली साथ साथ, तो रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती है और प्रोडक्ट को लेने की पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये बेसिकली सेक्शन है ओलंपियाड का स्कॉलर जोन, जिसके अंदर ओलंपियाड की तैयारी प्लस 6th and 7th क्लास के अंदर बच्चा आईआईटी फाउंडेशन के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकता है उस लेवल की आईआईटी लेवल के कंपटीशन की। नाउ ओपन हिंदी, गो टू इंटरैक्टिव ईबुक कंटेंट हिंदी व्याकरण, ओपन सर्वनाम एंड प्ले सर्वनाम। कंटेंट को 4 मिनट्स तक प्ले कीजिए यह दिखाने के लिए कंटेंट कैसे क्रिएट किया गया है। मैं सुनील हूँ, महेश सुनील का मित्र है, महेश सुनील की कक्षा में पढ़ता है, महेश के पिताजी डॉक्टर हैं, महेश भी महेश के पिताजी की तरह डॉक्टर बनना चाहता है, महेश को पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शौक है, पिछले 2 वर्षों से महेश तबला सीख रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ दिए गए गद्यांश में महेश नाम को बार बार दोहराया गया है। गो टू इंटरैक्टिव ई बुक कॉन्टेंट हिंदी लेखन, ओपन सूचना लेखन एंड प्ले सूचना लेखन। सूचना लिखना, बच्चों आप अपने स्कूल के सूचना पट पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को देखते होंगे। कभी ये सूचना अवकाश की घोषणा के लिए होती है तो कभी ये गुमशुदा की सूचना देने के लिए होती है। अब फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी पर क्लिक कीजिए और शो कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए कि एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है। Now open computers subject. हो सकता है कि आपके स्कूल में computers as a subject ना हो, but हम हमारे content में computer as a subject first standard से ही start कर देते हैं। Go to interactive ebook contents, open enhancing a presentation and play enhancing a presentation part 1. यहाँ आप enhancing a presentation part 2 भी play कर सकते हैं। यहाँ scroll bar को slide करके modules को quickly show करें और ये एक्सप्लेन करें कि मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं। इस सेक्शन पर आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही स्पेंड करने हैं।
Thank you.